इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें आरएसएस से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज के समान बताया है। संघ नेता ने कहा कि भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना तिरंगे का अपमान नहीं। उन्होंने कहा कि 1930 से पहले तिरंगा नहीं था, लेकिन क्या उससे पहले भारत की पहचान देने वाला कोई ध्वज नहीं था? जो भी संविधान के प्रति दायित्व मानता है उसके मन में तिरंगे और जनगण मन का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की संकल्पना में भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना तिरंगे का अपमान नहीं है। जनगण मन का भी सम्मान करना चाहिए, तिरंगे ध्वज का भी सम्मान ही करना चाहिए, पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग प्रकार की बातों से विचार करते हैं। इस प्रकार के वंदे मातरम को, भगवे ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना, यह आज के तिरंगे ध्वज का अपमान नहीं है। आरएसएस के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज के समान बताया। संघ नेता ने कहा कि भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज मानना तिरंगे का अपमान नहीं है। अब ऐसा बयान उनका सामने आया तो निश्चित तौर पर इस पर भी विवाद खड़ा होगा। साहिल जोशी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। साहिल, एक ऐसा समय जब इससे पहले ही बीजेपी और संघ ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर घिरे हुए हैं, ऐसे समय में ये बयान सामने आना एक बार फिर मुश्किल का वक्त। जी बिल्कुल, खास करके ये विवादास्पद इसलिए माना जाएगा क्योंकि हिंदुत्व की बात भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार तो नहीं कर रही है केंद्र में, लेकिन संघ लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये इससे साफ नजर आता है। दूसरी बात ये कि ये बात रखते हुए एक तरफ वो ये कहते हैं कि संविधान द्वारा उसको राष्ट्रगीत माना गया है, जनगण मन को संविधान द्वारा तिरंगे को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज माना है, लेकिन अगर भारत में कोई भगवा ध्वज अगर राष्ट्र ध्वज मानता है तो वो तिरंगे का अपमान नहीं होगा। उसी के साथ वंदे मातरम को भी, अगर कोई वंदे मातरम असलियत में राष्ट्रगीत है, भले ही उसको संविधान ने राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन भारत के लिए, देश के लिए वो एक राष्ट्रगीत माना जा सकता है। और एक शब्दों से छलावा कहीं ना कहीं करने की कोशिश है कि राष्ट्र, देश और राज्य ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं और उसके आधार पर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मुंबई में जो दीनदयाल उपाध्याय संस्था के तहत जो एक कार्यक्रम रखा गया था उसमें इन बातों पर वो अपनी बात रख रहे थे और उसमें उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर विवाद तो खड़ा हो सकता है। जी शुक्रिया साहिल आपका इस जानकारी के लिए।